अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी ठीक हूँ। ये फूल लाया था मैं आपके लिए, शुक्रिया कहना था आपको। रखिए प्लीज। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू। बाइक का पता चले तो बता दीजिएगा, चलता हूँ मैं। कहाँ पता चलेगा बाइक का? आप बैठो। नहीं बस आपको शुक्रिया कहना था, कह दिया, हमें जाना चाहिए। थैंक्स तो तुम फोन पे भी कह सकते थे। हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। बैठ जाओ। तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए तो दो लफ्ज शुक्रिया के कहने तो आ ही सकता था ना। वैसे मैं नई बाइक खरीद के आपको ये बाइक वापस कर दूंगा। आप नहीं जानती मेरे दिल पे बहुत बोझ है। जिस गिफ्ट पे थैंक्स बोल दिया जाए उसे वापस नहीं करते। गिफ्ट? बाय द वे, नाम क्या है तुम्हारा? शायान, प्यार से शानी कहते हैं सब। अच्छा, मैं भी प्यार से कह लूं? जी। शानी बहुत इजी है, शायान तो बहुत ही प्यारा नाम है। जी थैंक यू। यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही हो जो हमेशा इतने रूड और एटीट्यूड में बात करते थे मुझसे। सॉरी। वैसे ना ये पिज्जा वाली जॉब तुम पे सूट नहीं करती। पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब इस हकीकत से वाकिफ हुआ कि जिंदा रहने के लिए जॉब ऐसे ही है जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, तभी बस फैसला कर लिया कि अब जो भी जॉब मिलेगी एक्सेप्ट करूं। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? MBA हूँ। MBA? और तुम ये जॉब कर रहे हो? My goodness! जो बाहर की दुनिया है ना बहुत मुख्तलिफ है आपकी इस दुनिया से। आप बाहर की दुनिया से वाकिफ नहीं है। आपके इस महल से बाहर की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। मेरा ये मतलब नहीं था शानी। तुमने कभी कोशिश की है? जी बहुत जगह पे, लेकिन जब हर कोशिश ने दम तोड़ दिया तो फिर बस तवक्कुल का दामन थाम के ये जॉब कर ली। मुझे अपनी सीवी भेज सकते हो? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं अपने डैड से बात करूंगी, हो सकता है कहीं एडजस्टमेंट हो सके। आप क्यों कर रही हैं मेरे लिए सब कुछ? कैसा सवाल है ये? मेरा मतलब है कि आप पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी हैं कि मैं ऑलरेडी आपका ममनून हूँ। आपके वो सारे एहसानात जो मेरे सर पर हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी वजह से आपका। देखो मैं जो भी कर रही हूँ आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर रही है। इस दुनिया में इंसान ही तो इंसान के काम आता है। सीवी भेज देना याद से। चलिए पहुंच जाएगी अब तक सीवी भी। चलता हूँ मैं। मैम, ये मैम क्या होता है? मेरा नाम शानज़ है। अच्छा नाम है। इजाजत। थैंक यू। हैरत हो रही है यार मुझे। कल तक जिस लड़की का रवैया इतना रूड था मेरे साथ, आज इतनी केयरिंग थी, यकीन नहीं आ रहा था। दिल हार बैठी है हीरो तुम पे। तो हेलो, फिल्म नहीं चल रही दिल हार बैठी। उसका ड्राइंग रूम
इतना बड़ा था कि हमारा पूरा घर भी उसके आगे छोटा। तो बॉस निकल पड़ी ना तुम्हारी। पागल ना बन यार। ऐसे रूफी मुझे शक हो रहा है कहीं वो लड़की किसी चक्कर वक्कर में ना फंसा दे मुझे। और किस चक्कर में फंसाएगी वो तुम्हें? वो तो खुद तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में फंस चुकी है, अब तुम्हें भी जकड़ेगी इस मोहब्बत में। एक दूंगा उल्टे हाथ का तुझे। अरे सीवी दे दो, मौका अच्छा है। हाँ दे भी दूंगा, देखना फिर क्या होता है। क्या हो सकता है, एक दिन में कॉल लेटर आ जाएगा, बल्कि कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, शर्त लगा लो मुझसे। वैसे मुझे लग रहा है कि वो जो काम करेगी ना तुझसे पूछे करेगी। मुझसे मशवरा नहीं कर रही, मेरा भी थोड़ा बहुत जिंदगी का तजुर्बा है, बता रहा हूँ मान लो। आजा काम पे लग जा, तजुर्बे वही डांट खाएगा। इधर फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? हाँ अभी बैटिंग कर रहा था, कैसे उठाता फोन आपका? और फोन उठा के मिलता क्या मुझे? बातें सुननी थी ना, तो मैंने सोचा घर जाके सुन लूंगा। बाहर रात हो रही है, कौन सी बैटिंग कर रहे थे तुम? वो एक्चुअली आज हमारी टीम जीती है ना, तो सब दोस्तों ने सोचा कि हम बाहर खाना खाएंगे। कितने पैसे बर्बाद करके आए हो? लो होते कहे मेरे पास। ना शुक्री मत किया करो तुम, किस चीज की कमी है? हाँ बोलो। अभी मेरे पास है क्या? आपको पता है सब दोस्तों ने पैसे जमा किए, सबसे कम मेरी जेब से निकले हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपनी औकात के मुताबिक दोस्त बनाने चाहिए। अपनी परवाज उतनी ही ऊंची रखो जितने तुम्हारे पर बर्दाश्त कर सके। और अगर यही हरकतें रही ना तुम्हारी, तो इंटर भी नहीं पास कर पाओगे तुम। ये अच्छा अच्छा बोले, देखिएगा अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा मैं। बातों से मार्क्स नहीं आते। हाँ तो बदमाशों से भी मार्क्स कम नहीं हो जाते? पता नहीं कब ससुराल वालों को तरस आएगा हम पर। शर्म नहीं आती तुम्हें बहन से इस तरह बात करते हुए? अरे अम्मी मैं तो मजाक कर रहा था। अपने घर चली जाएगी ना तो बहुत याद आएगी तुम्हें। लो मुझे क्यों याद आएगी, वो जाएंगी तो सजीला भी आ जाएंगी। अरे किसी के जाने से जिंदगी थोड़ी रुक जाती है अम्मी। क्या फजूल बातें कर रहे हो, ये तो अल्लाह ही जानता है कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। मुझे अपने बड़े भाई पे पूरा भरोसा है, आप देखना वो मना के लेकर आ जाएंगे। अच्छा तुम इस सबसे दूर रहो, समझे? जो जाके अपनी किताबें निकालो, खेल तमाशों से जिंदगी नहीं बनती। रिएक्ट तो ऐसे करे जैसे किसी लड़की को देने के लिए बात कर दी मैंने। और अगर लड़की ही हुई तो? फिर तो और अच्छी बात है, क्या पता तुम्हारी उससे बात शुरू हो जाए। जिस दिन उससे बात शुरू हो जाए ना, उसे मुझे जरूर बता देना, क्या पता हमारी पुरानी दोस्ती फिर बहाल हो जाए। डरा दिया मुझे। बात सुनो मेरी। मुझे नहीं सुना, छोड़। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। छोड़ो हाथ मेरा। दो दिन से फोन क्यों नहीं किया तुमने? फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? मैं तो परेशान हो गया था कि तुमने दो दिन से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। कोई काम नहीं पड़ा मुझसे क्या? भूल रहे हो तुम शायद, इम्तिहान चल रहे मेरे, इसलिए बिजी थी। हाँ तो इम्तिहान चल रहे तो क्या हुआ, इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी इम्तिहान में डाल दो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ, समझी? कंट्रोल क्या करो शानी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? तुम्हारी ये सारी हरकतें। सजीला मैं ऐसे ही हूँ और तुम भी ऐसे ही हो, तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें जानता हूँ, हम बचपन के दोस्त हैं, या नहीं? अगर अब तुम दोस्ती की हद पार कर रहे हो। अच्छा तो साफ साफ कहो ना कि तुम्हें मेरी हरकतें भी पसंद नहीं है और अब मैं भी पसंद नहीं हूं।
कजन की हैसियत से बात क्या करूं मुझसे, उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे लिए कह रही हो, यकीन नहीं आ रहा। तुम जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। शानी क्या सिर्फ यही जरूरी है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो? क्या ये जरूरी नहीं कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत होनी चाहिए, वो फील करना चाहिए मुझे तुम्हारे लिए? समझ लो इस बात को प्लीज, ना मुझे ना चाहकर भी ना पप्पू को कहना पड़ेगा कि वो तुमसे बात करे। समझ लो लगा बस।